जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ UPSRTC बस कंडक्टर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि आपके यहाँ पर रिसेंटली एक और भर्ती नए डिस्ट्रिक्ट के लिए कंडक्टर की पोस्ट पर निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप इसमें यूपी के अलावा अन्य स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जान लीजिए कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी ये वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। अभी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहां पर मैं बता दूं कि ये वैकेंसी वन बाय वन निकाली जा रही है। पहले ये वैकेंसी आई थी 20 जनवरी में सहारनपुर के लिए, उसके बाद 20 जनवरी 2023 को ये वैकेंसी प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, मिर्जापुर जिले के लिए आई थी। इसके बाद में 25 जनवरी 2023 को ये वैकेंसी वाराणसी जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र के लिए आई थी। एंड इसके बाद में 31 जनवरी 2023 को अयोध्या के लिए। फिर आई आपकी 31 जनवरी 2023 को झांसी, ललितपुर और जालौन जिले के लिए 175 पद। और इसके फॉर्म आप लोग 7 फरवरी 2023 यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है, क्योंकि ये वीडियो मैं 6 फरवरी 2023 में बना रहा हूं। तो इसके बाद अभी आपकी जो वैकेंसी आई है, ये आई है आपकी आजमगढ़ मऊ बलिया डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसमें आपके 198 पद है, जिसके फॉर्म आप 7 फरवरी 2023 से लेकर के 14 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। यानी कि करंट में 7 फरवरी के बाद में जो आपके पास ऑप्शन होगा अप्लाई करने का, तो आपके पास होगा आजमगढ़ मऊ बलिया इन डिस्ट्रिक्ट के लिए। बेसिकली आपकी पोस्टिंग यहां पर होगी, अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। तो आपने यहां पर जान लिया। अब यहां पर इसकी जो डिटेल्स है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिए। आप यहां पर जो यूपी रोजगार संगम की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहां पर अगर जैसे प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहां पर मैं कंडक्टर की पोस्ट सर्च करता हूं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या के लिए वैकेंसी आई थी, जिसकी लास्ट डेट 7 फरवरी 2023 दी गई है। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि झांसी, ललितपुर, जालौन के लिए वैकेंसी है, जिसके फॉर्म आप 7 फरवरी 2023 तक भर सकते हैं। एंड अभी जो आपकी करंट में वैकेंसी आई है, ये आई है आपकी आजमगढ़ मऊ बलिया। आप देख सकते हैं कि इसकी अंतिम तिथि 14 फरवरी 2023 रखी गई है। आप जैसे यहां पर रिक्त विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको इसकी जो डिटेल्स है वो दी गई है। तो बेसिकली इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में 12वीं की है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको जो अन्य क्वालिफिकेशन देनी होगी, वो है कि आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCC सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है अगर आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल होना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल के बीच रखी है। सैलरी आपको इस पर 10,001 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये के बीच दी जाएगी। एंड जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी 12,242 रुपये होने वाली है। मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आपसे कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, यानी कि अगर आप फ्रेशर है आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी जान ली है, और ये भी जान लिया है कि इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका जो आपकी 12th की परसेंटेज है उसके आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। छोटा सा मतलब इतना हार्ड इंटरव्यू नहीं होगा, नॉर्मल इंटरव्यू जो रहता है वही आपका होगा, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो ये आपने जाना। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए। अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉग इन करके अपना अप्लाई कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर कभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो आप यहाँ से जान लीजिए। जिनका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, वो आप यहाँ पर लॉगिन करके उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। बट अगर आप फ्रेशर है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे, और फिर आपको न्यू यूजर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। तो आपको यहाँ पर कैसे जानकारी देनी है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है जॉब सीकर, तो आप यहाँ पर जॉब पाने के लिए आई है, तो आप जॉब सीकर सेलेक्ट करेंगे। फिर नाम के अंदर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वही नाम आप यहां पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी देनी है, नंबर और ईमेल बिल्कुल सही होने चाहिए। इसके बाद एक यूजर आईडी आपको बनानी है। जो भी आप यूजर आईडी बनाना चाहते हैं वो आप यहां पर इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं वही। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का सैंपल आपको यहां पर दिया है, जिसमें कि बेसिकली ये आपको बोला है कि आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, फिर
स्मॉल वर्ड कुछ ना कुछ और स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ ही डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और यहाँ पर जो कैप्चा है वो जो भी नंबर आपके सामने आए उनको आपको जोड़ करके यहाँ पर लिखना है एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोफाइल एंट्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी जानकारी देनी है। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से आपकी जानकारी समझा सकूँ कि कहाँ पर क्या भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये नेम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आता है आपका जो नाम है वो हिंदी के अंदर, तो आपको आपका नाम हिंदी के अंदर अपना लिखना है। फिर आपको आपका जेंडर बताना है जो भी है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्स हो या फिर विधुर हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। इसी प्रकार से आपको आपकी मदर्स का नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है और फिर हिंदी के अंदर लिखना है। रिलीजन आपका क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर एससी एसटी सेलेक्ट करते हैं तो जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है तो वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी। जैसे कि अगर आप कोई खिलाड़ी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है या फिर हैंडीकैप है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो नियरेस्ट ऑफिस है आपका वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है इनमें से, जो भी आईडी आपके पास है। तो जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट करके रखा है। फिर जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप इंडिया के अंदर ही जॉब चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अनटिक करें। इसके बाद आती है फोटो, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो आप यहां पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे एंड देन आप इन सभी जानकारी को सेव करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पर कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है, तो सबसे पहले आपसे पूछे कि आपका क्षेत्र ग्रामीण है या फिर नगरीय है यानी कि शहरी है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस आपका विकास खंड कौन सा है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। विलेज आपको यहां से अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इनमें से विलेज है, और फिर आपको यहां पर आपका जो पिन कोड है वो भी सेलेक्ट कर लेना है या फिर यहां पर खुद बेसिकली सेलेक्ट ही करना होगा, खुद से आप नहीं डाल पाएंगे। जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है इस जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि आपने यहां पर सेलेक्ट की है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आता है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर यस कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके अलग से अपना एड्रेस भर देंगे, क्योंकि जो अभी आपने ऊपर भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था। तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर नो किया तो आपको यहां पर अलग से आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करने का सेक्शन दिया है। सेम सेक्शन यहां पर है जो कि अभी आपने ऊपर भरे है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर अलग है तो नो करके अलग से इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विकासखंड, विलेज और पिन नंबर। अगर सेम है तो यस कीजिए एंड यहां पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आपको फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखनी है, वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो यहां पर आपको लिखना है, ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो आप सेलेक्ट वन के ऊपर ही छोड़ दे, और अगर आपको मालूम है तो फिर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर ले। आई साइट आपकी क्या है, जनरल या फिर स्पेक्टिकल्स, यानी कि जनरल का मतलब आपको चश्मा नहीं लगा तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करके यहां पर एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो सबसे पहले
यहाँ पर आपसे पूछा है आर यू एजुकेटेड, क्या आप पढ़े लिखे हो, तो आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछा है हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल, तो जो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 12वीं या फिर 10वीं या फिर 10वीं से कम या फिर ITI या फिर अनएजुकेटेड यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के सेक्शन आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आपको यहाँ पर पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर आपको जो आपका स्ट्रीम है वो बताना है कि आपने आर्ट से किया, कॉमर्स से या फिर साइंस से, तो जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किन किन सब्जेक्ट के साथ में आपकी 10वीं की है, जैसे कि हिंदी और फिर इंग्लिश, इसके बाद में मैथ और फिर यहाँ पर साइंस, इसके अलावा जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपसे पूछा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो आपको बताना कि आपने किस मीडियम से किया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट, आपने किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपको आपका बोर्ड भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड के सेक्शन में काफ़ी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रही है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बोर्ड यहाँ पर इलाहाबाद है, यूपी बोर्ड, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से की है, तो आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिख देंगे। मोड ऑफ एजुकेशन, आपने फुल टाइम किया, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस या ओपन, तो मैंने फुल टाइम यानी कि रेगुलर की है। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन, कंप्लीट या फिर कंटिन्यू, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यहां पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर बताएंगे कि किस महीने के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं वो पास की है एंड किस साल के अंदर पास की है, वो साल भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे वो आप यहां पर लिखेंगे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहां पर लिखने हैं और फिर आप यहां पर इन जानकारी को सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी जानकारी सेव होकर के इस प्रकार से यहां पर आ जाएगी एंड देन आप सेम तरीके से यहां पर आपकी 12वीं की जानकारी देंगे, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर फिर से जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप है इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम के अंदर की है, फिर सेम तरीके से आपको एजुकेशन लेवल में इंटरमीडिएट ये सेलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, स्टेट बतानी है, आपके बोर्ड को सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट बतानी है कि कहां से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन बताना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है और यहां पर आपका टाइप ऑफ एजुकेशन बताना है, यानी कि सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है ऐसे ही आपको 12th की इंफॉर्मेशन सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो 12th की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहां पर फिर से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर आपका जो कैटेगरी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है और फिर जो आपका एजुकेशन लेवल है वो भी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहां पर आपको जो आपकी स्पेशलाइजेशन है किन सब्जेक्ट के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, किस स्टेट से किया है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया वो यूनिवर्सिटी आपको यहां पर सिलेक्ट करनी होगी और इसके बाद में यहां पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है कि कहां से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, टाइप ऑफ एजुकेशन बताना कि कंप्लीट कर लिया या फिर कर रहे हो, किस महीने किस साल के अंदर पास किया वो बताना है और ग्रेड परसेंटेज आपकी भर देनी है। फिर आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहां पर आएगा एक्विटेंस लैंग्वेज, तो आपको यहां पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने यहां पर पहले सेलेक्ट किया था हिंदी, आप इस तरह से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपको बोलनी आती है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, स्पीक पर लिखनी आती है तो राइट के सामने टिक करेंगे और सॉरी अगर लिखनी आती तो यहां पर और बोलनी आती है तो यहां पर, और अगर फ्लो के साथ में आता है यानी कि बिल्कुल आप बिना झिझके ये सब काम कर सकते हैं बोलना लिखना और पढ़ना तो आप यहां पर भी टिक कर देंगे। ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, टिक करने के बाद में तो ये जानकारी सेव होकर के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, फिर आप बताएंगे कि मुझे बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है और फ्लो के साथ आती है तो फ्लो के ऊपर भी टिक करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो
तो फिर ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्किल्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो स्किल्स का सेक्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई स्किल्स है उसकी जानकारी आपको देनी है, तो जैसे कि आपसे पूछा कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यस करता हूँ, फिर एड न्यू स्किल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको बताने कि किस फील्ड के अंदर आपकी जो स्किल है वो है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका फील्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपने ये जो आपके पास स्किल है वो आपने किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त की है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर रिकॉग्निशन बॉडी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्टेटस देंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। जिसके अगर आपने कंप्लीट सेलेक्ट किया तो आपको बताना है कि किस साल के अंदर पास की है, ग्रेड परसेंटेज कितनी है, और अगर आप परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स और उसमें से जो नंबर आए थे वो स्कोर के अंदर लिखने हैं। फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन अब आप यहाँ पर जो आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है एक, तो आपको फिर बताना कि प्रेजेंट लास्ट जॉब डिटेल, करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी आपके पास पोस्ट है जिस पर आपने काम किया फिर किया था वो आप सेलेक्ट करें, टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या था वो आप सेलेक्ट कर लिए, और फिर किस एरिया के अंदर थी वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे यहाँ पर बढ़ जाइए और प्रेफरेंस के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेफरेंस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको बताना कि आप किस फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया के अंदर गवर्नमेंट डिफेंस सेलेक्ट किया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं उन सब के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉब विलिंगनेस, तो मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक किया कि मुझे सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट, हर तरह की जॉब चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ मैं पार्ट टाइम वर्क में भी इंटरेस्टेड हूँ। सैलरी की लिमिट क्या, आप कितनी सैलरी से नीचे काम करना नहीं चाहते, जैसे कि 10,000 से नीचे, 10,000 से 20,000, तो जो भी आपकी लिमिट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी काम करना चाहते हैं अपनी, तो आप यहाँ पर यस कर दें। और फिर डिजायर्ड लोकेशन, किस जगह पर आपकी चाहते कि मैं जॉब पाऊँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, आपके लैंड के अंदर, या फिर कंट्री के अंदर कहीं पर भी, तो मैंने इन योर कंट्री सेलेक्ट किया। और अब आप यहाँ पर इस तरह से सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी जानकारी दी है। जो सेक्शन आपने नहीं दिया गया होगा उसके सामने का जो आपका क्रॉस का चिन्ह है वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको अब सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल की जानकारी है वो आ जाएगी। अब अगर आप किसी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर जैसे कि अप्लाई फॉर जॉब का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपने क्वालिफिकेशन एंड जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट पर एलिजिबल होंगे वो पोस्ट आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जो क्वालिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग किस किस पर मैं अवेलेबल हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है इस पर मैं एलिजिबल हूँ। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इसकी वैकेंसी है इस पर मैं एलिजिबल हूँ। तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी वो देखने को मिलेगी, और जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पर टू पॉइंट पर देख सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है कंडक्टर की वो आजमगढ़ मऊ बलिया के लिए निकाली है, और अभी यहाँ पर इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि इसके फॉर्म 13 घंटे 56 मिनट के बाद होंगे, यानी कि आपके 7 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो नीचे वैकेंसी है इस तरह से देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पर अप्लाई कर लेंगे, यानी कि अभी आपको इसके आगे कोई ऐसा प्रोसेस हार्ड में फॉलो नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका अप्लाई हो जाएगा, एंड आप अपने फॉर्म का अप्लाई करने के बाद में डैशबोर्ड पर आकर के जो प्रिंट है वो भी ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग यूपीएसआरटीसी कंडक्टर भर्ती 2023
2023 का फॉर्म भर पाएंगे। जैसे ही अन्य कोई वैकेंसी निकलती है तो आपका अकाउंट बन चुका है, आप यहाँ पर आकर के अप्लाई फॉर जॉब में किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।